सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां इमरान खान अपनी पत्नी बुशरा बीवी के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इमरान खान की हाई कोर्ट में पेशी और साथ में उनकी पत्नी लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, इमरान खान जो इस बात की आशंका जाहिर कर चुके हैं कि बुशरा बीबी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। खबर यह है कि इमरान खान हाईकोर्ट पहुंचे हैं बुशरा बीबी के साथ, और ये आशंका उन्होंने इस तरीके से जाहिर की है कि मुझे अपमानित करने के लिए इस हद तक ये लोग जा सकते हैं कि बुशरा बीबी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, ये आशंका उन्होंने जाहिर की है। लेकिन इस बीच हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं वो इमरान खान, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पूरा पाकिस्तान का अलग अलग इलाका जल रहा था। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि उन्हें रिहा किया जाए, लेकिन फिर भी अभी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमा नहीं है पाकिस्तान में। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश उस वक्त दिया रिहाई का, उसके बाद कैसे जो जज थे उनके खिलाफ भी जांच यहां पर हो सके, इसकी भी जो कमेटी है वो वहां पर बना दी गई है, क्योंकि इस फैसले का लगातार वहां पर विरोध किया जा रहा है। जो विरोधी पार्टियां हैं वो प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है, और यहां तक तस्वीर देखने को मिली कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी घुसने की कोशिश की। और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर 13 राजनीतिक दल धरना दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर वहां से निकलकर सामने आ रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान के रिहा करने को लेकर, और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं लोग, और कई जगहों पे तोड़फोड़ मचाई है इन लोगों ने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से बवाल की जो तस्वीर है वो वहां पर देखने को मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोल दिया। तस्वीरें इस वक्त देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जो गेट है उसको फांद कर देखिए कैसे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से 26 साल के बाद ऐसे हालात पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये उस पाकिस्तान की हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे ना सुप्रीम कोर्ट के कोई मायने हैं, ना लोकतंत्र के, ना संविधान के। कानून हाथ में लेने की ये आदि हो चुके हैं, कानून की धज्जियां उड़ाने की आदि हो चुके हैं, चाहे वो पीटीआई के समर्थक हो या फिर सत्तासीन पार्टी जो है उसके समर्थक हो, यानी शहबाज शरीफ के जो समर्थक है, वो दोनों एक ही राह पे कदम आगे बढ़ाते हैं। और बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान के हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ इमरान खान है जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी, मेरी बीवी की गिरफ्तारी की जो कोशिश है वो इस वक्त की जा रही है। दूसरी तरफ देखिए कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक एक करके तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचाएंगे, वो तस्वीरें बयां करेगी कि पाकिस्तान में क्या हालात बने हुए हैं। हालात वाकई बेहद खराब है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी कोई वहां पे असर नहीं हो रहा है। इमरान खान की रिहाई के विरोध में पाकिस्तान में प्रदर्शन एक के बाद एक देखने को मिला।